रामगंज स्थित गोदाम में चावल और गेहूं सहित अन्य जिन्स जब्त, जांच जारी। पीडीएस का हो सकता है चावल रामगंज में। गोदाम से गुरुवार की देर रात लगभग 200 से 300 क्विंटल से अधिक चावल एवं गेहूं का सहित अन्य जिन्सों की जब्ती बनाई गई। प्रशासन के द्वारा संबंधित गोदाम मालिक से दस्तावेज मांगे हैं, लेकिन कोई भी दस्तावेज गोदाम मालिक द्वारा मौके पर नहीं दिए गए हैं। मिले विश्वास सूत्रों के अनुसार ये गोदाम अशोक जैन व ऋषभ जैन की बताया जा रहा। गोदाम मालिक द्वारा मौके पर नहीं प्रशासन ने जब कार्रवाई की तो खास बात यह है कि चावल मौके पर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। चावल चोरी का हो सकता है विश्वास सूत्र द्वारा। पिछले कुछ दिनों से पूर्व कई राशन दुकानों पर चोरी की वारदातें हुई हैं, जिससे राशन का सामग्री चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट भी संबंधित थाना में दर्ज की गई है। क्या कार्रवाई है और इसमें क्या क्या मिला है, यहाँ पे क्या निमित्ता मिली है अपन को? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बता रहे हैं कि ये ऋषभ ट्रेडर्स की फर्म है, तो ऋषभ ट्रेडर्स का तो कोई बोर्ड यहाँ लगा नहीं पाया गया। ऋषभ ट्रेडर्स के नाम से है, ऋषभ ट्रेडर्स की मंडी की लाइसेंस ही नहीं है। दूसरा, इनके यहाँ पर जो चावल पाया गया है वो अधिक मात्रा में है। इन्होंने जो बिल प्रस्तुत किया है उसके हिसाब से बता रहे हैं कि नवंबर 22 में इन्होंने ख़रीदा, लेकिन उसके बाद भी इतनी अधिक मात्रा में जो संग्रहण करके रखा हुआ है, किस कारण से रखा है शंका के घेरे में आता है। मैम, बासुदा में चावल का कम धान का कारोबार ज़्यादा होता है, और क्या ये चावल मान सकते हैं पीडीएस का हो सकता है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, इनके बिल वगैरह और दुकानों की जांच से पता चलेगा कि ये पीडीएस का है। मैम, आप भी यहाँ कार्रवाई के बाद सैंपलिंग ली है क्या आपने अभी यहाँ पर? नहीं, सैंपलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो अभी आपको जो बिल प्रस्तुत किए गए हैं वो लगभग 8 महीने पुराने हैं। आठ महीने में मैम चावल की लगभग उसमें जो कीड़े लगे हुए हैं, तो चावल डेफिनेटली घुन जाता है 8 महीने में। तो मैडम, कहीं ना कहीं ये साक्ष्य छुपाने की भी कोशिश की जा रही होगी। वो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी जो प्राथमिक प्रथम दृष्टया जो देखने में प्रतीत हो रहा है, थोड़ा शंका के घेरे में आ रहा है, इसलिए अभी जो यहाँ पर जो चावल पाया है इन्हीं की सुपुर्दगी में हमने दिया है कि जब तक जाँच पूरी होने तक आगामी आदेश तक ही सुरक्षित रहे। मैम, माल की क्वान्टिटी क्या है? 518 अनुमानित बोरी है जी, 284 क्विंटल अनुमानित वजन।